दोस्तों आज की तारीख में हमारे पास एक दूसरे से बात करने के बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी बातों को टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक जैसे तमाम माध्यम मौजूद हैं, जिनसे हम अपनी बात एक दूसरे इंसान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। दोस्तों जब भी आप डिप्रेशन में होते हो तो आपके मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को खत्म करने के भयानक विचार तक आते होंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है आपके इस बेहुदा कदम से आपके परिवार पर क्या बीतेगी, आपके माँ बाप का क्या होगा, आपकी बहन पर क्या गुजरेगी, आपके भाई का क्या हल होगा? आप ऐसे में खुद की जिंदगी तो तबाह करते हो, साथ में अपने परिवार के लोगों को नर्क में जलने के लिए छोड़ जाते हो। दोस्तों जब भी आपको कभी लगे कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप के साथ बैठकर बात करें, उनको बताएं आपकी तकलीफ के बारे में, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बैठकर बात करें। आप अपनी समस्या को इतना बड़ा मत होने दो कि वो नासूर बन जाए और बहुत देर हो जाए। आप दिल खोलकर बेझिझक बेबाक तरीके से अपनी बात को रखें, आप देखना आपकी समस्या का समाधान तुरंत होगा, आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में हल हो जाएगी। हिंदी सिनेमा के उभरते हुए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। महज 34 साल की उम्र में उन्होंने बांद्रा के अपने घर के कमरे में फांसी लगा ली और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हालांकि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है, लेकिन उनके सुसाइड की खबर से पूरा देश हैरान है, दुखी है। सुशांत 21 जनवरी 1986 को बिहार के छोटे से गांव मलडीहा गांव में पैदा हुए थे, जो कि पूर्णिया जिले में पड़ता है। इतने छोटे गांव से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर तय करना उनके लिए आसान काम नहीं रहा, और कुछ कर गुजरने की जिद के आगे सारी बाधाएं, सारी मुश्किलें छूटी पड़ गई। सुशांत राजपूत के पिता के सिंह रिटायर्ड सरकारी अधिकारी है। सुशांत की माँ का साल 2002 में ही निधन हो गया था। सुशांत अपनी माँ को याद करते हुए अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर किया करते थे। हाल ही में उन्होंने अपनी माँ की तस्वीर शेयर कर उन्हें याद किया था। विडंबना ये भी है कि सुशांत का आखिरी पोस्ट उनकी माँ के बारे में ही था। सुशांत की चार बहनें भी हैं, जिसमें से एक मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत ने स्कूली शिक्षा पटना के सेंट कैरेंट्स हाई स्कूल और दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से ली। उसके बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। हालांकि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच में ही छोड़ दिया। टेलीविजन की दुनिया में उन्होंने 2008 में किस देश में है मेरा दिल से डेब्यू किया। बाद में उन्हें पवित्र रिश्ता में लीड रोल ऑफर हुआ और वो छोटे पर्दे के बड़े सितारों में गिने जाने लगे। सुशांत का फिल्मी सफर फिल्म काय पोचे से शुरू हुआ। पहली ही फिल्म सफल रही और उनके अभिनय को काफी तारीफ मिली। हालांकि पिछले साल आई छिछोरे उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही थी। सुशांत को अपना करियर फिल्मों में बनाना था, इसलिए वे पहले दिल्ली आए और उसके बाद मुंबई का रुख किया। सुशांत मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर के छात्र रह चुके हैं। सुशांत ने 2006 के कॉमनवेल्थ खेलों में भी परफॉर्म किया था। हम बस इतना कह सकते हैं, हमने एक बहुत ही शानदार अभिनेता को खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।